बाकी जो हमारे पहले चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे वो तो आज पांच पांच गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं, है कि नहीं? जो चुनाव जीतने के बाद कॉलोनियां काटते हैं, जो चुनाव जीतने के बाद बड़े बड़े काफिलों के साथ चलते हैं, पहले भले किराए के गाड़ी से चलते हों, आपको पता है उसकी कीमत क्या है? उन्होंने कहा जी हम गरीब आदमी है, उसकी कीमत हम क्या जाने। मैंने कहा पैसे की कीमत नहीं कह रहा, क्या आप उसकी असली कीमत को जानते हो? उन्होंने कहा नहीं जी हम तो नहीं जानते। मैंने कहा उसकी असली कीमत है आपके बच्चों के सपने। आप समझे हो मेरी बात को? जो जो भ्रष्टाचार करता है आपको क्या लगता है, आज जब आप थाने जाते हो और आपको रिश्वत देनी पड़ती है, आज जब आप अपने पेंशन लेने के लिए, कमरा लेने के लिए, आज आप अपने आवास के लिए जो आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, जो पाप है, आपको क्या लगता है ये जो भ्रष्टाचार का समय चल रहा है, आपको क्या लगता है कि आपकी गलतियों के वजह से नहीं हो रहा है? जब चुनाव आता है तो लोग जात और धर्म पे वोट देते हैं, लोग ये नहीं सोचते कि किसी अच्छे इंसान को जिताएं, लोग ये नहीं सोचते किसी कट्टर ईमानदार को जिताएं, लोग ये सोचते हैं आदमी आता है भैया हम सजाती तुम सजाती, हम सधर्मी तुम सधर्मी, तो आदमी कहता हाँ भाई इसके साथ चलो, ये हमारे ये हैं, ये हमारे वो हैं।